हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव डिस्कशन लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमने आपके 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप वॉच आउट कर लेना सभी लेक्चर सीरीज को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 में, सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत जो संवेग है वो एक निश्चर राशि नहीं होता है। लेकिन जब हम संवेग संरक्षण नियम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो संवेग है आपका, ये एक निश्चर राशि होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन से गिवन किया है कि सिद्ध करो कि संवेग गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि नहीं होता है। लेकिन संवेग संरक्षण का जो नियम होता है भाई, वो क्या होता है, एक निश्चर राशि होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम प्रूफ, प्रूफ में क्या आएगा कि गैलीलियो में आपने क्या पढ़ा था। मैंने आपको गैलीलियो रूपांतरण समीकरण पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने वेग का एक फॉर्मूला बताया था। तो वेग का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया, वेग रूपांतरण समीकरण की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू दी गैलीलियो, ठीक है। तो गैलीलियो, तो इसमें क्या जानते हो, हम जानते हैं कि गैलीलियो के वेग रूपांतरण समीकरण से। अब भाई क्या है वेग रूपांतरण समीकरण, याद है सबको? तो देखो, ये वाला कैलकुलेट किया था कि बी प्राइम वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर माइनस का कैपिटल बी वेक्टर, यही मैंने कराया था, सभी देख लो एक बार। यहाँ पर पी प्राइम वेक्टर क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का क्या है, वेग है। बी क्या है, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है। और कैपिटल जो बी वेक्टर है वो एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, समझ गए। तो ये बातें हैं, इनको लिख लेना जो मैंने बोला हुआ है ना। तो यहाँ पर ये रिजल्ट है, इसको यहाँ पर ये आया था। अब आपको चाहिए संवेग मोमेंटम, वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यदि आप इस वाली समीकरण में मास का यदि मल्टीपल कर देते हो, गुणनफल कर देते हो, तो आपको संवेग मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि उपरोक्त समीकरण में M क्या है, द्रव्यमान है ना, तो ये लिख दो द्रव्यमान, कोष्टक में लिख दो M का गुणनफल करने पर या गुणा करने पर, ठीक है, या गुणा करने पर, इतना ही लिख दो। मल्टीपल करना है आपको एबव इक्वेशंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास इंटू बी प्राइम वेक्टर इक्वल टू मास इंटू वी वेक्टर माइनस मास इंटू कैपिटल वी वेक्टर, ओके। तो एम भी क्या होता है, पी प्राइम वेक्टर, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको पी प्राइम वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर और माइनस का यहाँ पे एम बी वेक्टर, ये आपको रिजल्ट मिल गया, ये वाला, ये आपको एक रिजल्ट मिला है। ये इसको मैंने समीकरण नंबर नाम दिया है फर्स्ट, ठीक है, इसको समीकरण नाम दिया आपने फर्स्ट। तो समीकरण एक से स्पष्ट है कि संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतरण समीकरण का मान, एक सेकेंड, समीकरण एक निश्चर राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है, ठीक है। तथा ये रूपांतरण समीकरण कौन सा कहलाता है आपका, संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तथा समीकरण एक गैलीलियो के अंतर्गत संवेग रूपांतरण समीकरण है। ये बात समझ में आई,
क्योंकि यहाँ पर देखो एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का संवेग बराबर नहीं है किसके, एस प्राइम एस निर्देश तंत्र में कण के संवेग के, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए दोनों जो संवेग आपको मिल रहे हैं दोनों बराबर नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एक निश्चर राशि नहीं है, तो संवेग एक निश्चर राशि नहीं है अकॉर्डिंग टू दी गैलीलियो, गैलीलियो के अनुसार। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे संरक्षण नियम की पालना करवानी है कि संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, एक निश्चर राशि होता है, ये आपको बताना है। तो यह आप कैसे बताओगे, दोनों निर्देश तंत्र को लोगे, कॉलिजन कराओगे, टक्कर कराओगे, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद यदि दोनों संवेग बराबर आ जाएंगे तो आप कह दोगे कि ये क्या है, एक निश्चर राशि है। ठीक है, यही काम करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ तक अपना काम हुआ, ये वाला कंप्लीट, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, कोई ऐसा मैंने रॉकेट साइंस तो यहाँ पे लगाई नहीं अभी तक, है ना। अगला लिखो, इसी में लिखो संवेग संरक्षण नियम। अब लिखो आप संवेग संरक्षण नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम से के अनुसार टक्कर से पूर्व संवेग कौमा टक्कर के बाद संवेग के बराबर प्राप्त होता है, इसी को संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। यही है ना कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, दोनों कैसे मिल रहे हैं आपको, बराबर मिल रहे हैं। टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, यदि दोनों आपको बराबर मिल जाए कौन कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, तो आप बोल दोगे कि संवेग रूपांतरण समीकरण जो, तो वो तो क्या मिला था आपको, निश्चर राशि नहीं है, लेकिन संवेग संरक्षण नियम आपको कैसा मिलेगा, निश्चर राशि है। समझ गए, ठीक। तो यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद एक लाइन और लिख लो, लेकिन निश्चरता के लिए लिख लो, दोनों निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का नियम समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ तक आप कीजिए, फिर मैं टक्कर से पहले का बताऊंगा, टक्कर से बाद का बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले हम ये लिखेंगे, टक्कर से पहले या आप कर लोगे पूर्व। ठीक है, यहाँ तो टक्कर से पहले क्या रहेगा, कोई भी आपके पास में यहाँ पर मास दिया, ये M, कोई आपके पास में ये बॉडी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर M, यहाँ पर इसके लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए U1 और इसके लिए U2। टक्कर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, टक्कर के बाद, है ना, टक्कर से पहले का काम है यहाँ पर, टक्कर के बाद या पश्चात। ठीक है, ये आप लिख लो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर भी एक M, ये इसका मास आप M1 मान लो,
इसका आप m2, ठीक है, ये सही लिख दूँ थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका m2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका m1, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई टक्कर के बाद v1 हो गई, यहाँ पर मास m2, इसकी क्या वेलोसिटी हो गई v2 हो गई, ठीक है। ये टक्कर से पहले का कार्यक्रम, मास m1 था बॉडी का, u1 वेलोसिटी इनिशियल वाली, m2 इनिशियल वेलोसिटी u2 इसकी, यहाँ पर टक्कर के बाद क्या हुआ टकरा गए दोनों, टकराने के बाद वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, बी वन हो गई इसकी बी टू हो गई, ये बातें समझ में आई होंगी आई होप, ऐसा मैं आपसे करता हूँ आसान। तो यहाँ तक आप देख लो एक बार, फिर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अब, इसके बाद इक्वेशन से लिख दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगी आपकी, देखो यहाँ पर मास इंटू यू वन, सम्मिक क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वन यू वन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा टक्कर से पूर्व m1 u1 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा m2 u2 इक्वल टू यहाँ पर m1 v1 और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगी m2 v2, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे इक्वेशन। इसको नाम दे दोगे कौन सा, कितना इक्वेशन से नाम दोगे, थर्ड इक्वेशन से नाम दे दोगे, दो तो आपने दे दिया था पहले, है ना, एक दिया था दो दिया था, दो कर दो इसको, है ना, लिख लो। ये सभी बात किस में चल रही है, S कौन सा निर्देश तंत्र है, इसमें लिख और देना आप यो A बना के ऐसे, S निर्देश तंत्र के लिए, किसके लिए बात कर रहे हो आप, S निर्देश तंत्र में, ठीक है। यहाँ पर कोई प्राइम शब्द हमने लिया नहीं है, तो S निर्देश तंत्र के लिए जाए। अब हम बात करेंगे किसकी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरा कंप्लीट, फिर S प्राइम निर्देश तंत्र के लिए ले जाए, ठीक है। अब बात करेंगे S प्राइम निर्देश तंत्र में, ये तो हमको एक इक्वेशन मिल गई, अब इसके बाद लिखो B, यहाँ पर आ जाएगा S प्राइम निर्देश तंत्र के लिए। अब इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए देखो यहाँ पर कोई मास m1 है और इसकी जो वेलोसिटी वो u1 प्राइम है, यहाँ पर कोई m2 है इसकी है u2 प्राइम है, ये यहाँ पर क्या है टक्कर से पूर्व है, टक्कर से पहले, ये टक्कर से पहले, और यहाँ पे है टक्कर के बाद, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये m1 है यहाँ पर b1 प्राइम, ओके, और यहाँ पर m2 है, ये क्या हो जाएगी b2 प्राइम, ऐसा ही हो जाएगा u1 प्राइम u2 प्राइम b1 प्राइम b2 प्राइम टक्कर के बाद। तो यहाँ पर समीकरण क्या मिलेगी कि m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 b1 प्राइम, ठीक है, संवेग में लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 और b2 प्राइम, ये आपकी आ गई। इसको समीकरण नाम दोगे आप थर्ड, तो दूसरी समीकरण ये, तीसरी समीकरण ये लिखो आप, यहाँ तक आपने लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा कंप्लीट इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट दोनों इक्वेशंस का ले लो, पहली ये और दूसरी ये, ठीक है, ये सभी आपको आनी चाहिए, ये लिख लो। अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यह है कि क्वेश्चन में गिवन है कि गैलीलियो के रूपांतरण के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर क्या लेके आना है गैलीलियो, तो आप क्या जानते हो, फिर से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत, ठीक है, ये अंतर्गत, तो भाई गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी प्राप्त हुई थी, आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा प्राप्त हुआ था बी प्राइम इक्वल टू यहाँ पर बी वेक्टर माइनस का यहाँ पर कैपिटल बी वेक्टर, ये आपको मिला था। अब यदि मैं इनिशियल के लिए बात करूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इनिशियल के लिए आप बात कर रहे हो टक्कर से पूर्व, यहाँ पर कौन सा आएगा टक्कर से पूर्व, पूर्व तो क्या थी आपकी इनिशियल थी, प्रारंभिक अवस्था में यू वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर टक्कर से पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, टक्कर से पूर्व यहाँ पर हो जाएगा यू प्राइम वेक्टर, देख लो समझ लो, यू वन प्राइम वेक्टर इक्वल टू यू वन वेक्टर माइनस यहाँ पर कैपिटल बी वेक्टर, ये आ जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया इसके अनुसार। इसी तरीके से U2 प्राइम वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा U2 वेक्टर और माइनस का कैपिटल B वेक्टर, ये आपके दो आ गए टक्कर से पूर्व। अब दूसरा बात करूँ मैं यहाँ पे टक्कर के बाद,
टक्कर के बाद, ठीक है, ये टक्कर के बाद, टक्कर के बाद क्या हो जाएगी वेलोसिटी बी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वन प्राइम वेक्टर इक्वल टू बी वन वेक्टर माइनस का कैपिटल बी वेक्टर, ओके। और दूसरा आ जाएगा बी टू प्राइम वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बी टू वेक्टर माइनस का कैपिटल बी वेक्टर। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, कंपेयर करके लिख रहा हूँ इससे, है ना, यही था ना रूपांतरण समीकरण, ये इसको कोष्टक में लिख लो यहाँ पे, इससे कंपेयर करके हमने ये लिख दिया टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात। इनको एक इक्वेशन नाम दे दो, इनको इक्वेशन नाम दे दो, आपने थर्ड इक्वेशन दे दी, यहाँ पर इसको नाम दे दो फोर और इसको नाम दे दो आप फाइव। तो समीकरण, समीकरण चार व समीकरण कौन सा है पाँच से मान किस में रखोगे, समीकरण तीन में, समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है, ये काम करने जा रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट इसका, है ना। एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है, समझो इनको क्या करने जा रहे हैं। गैलीलियो के रूपांतरण के अनुसार हमने क्या है, वेलोसिटी को इस टाइप से हमने डिफाइन कर दिया है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात। अब इनको समीकरण तीन में रखेंगे, समीकरण तीन आपको याद होगा, ठीक है, पेज पलटो, देखो कॉपी में क्या कराया हमने, हैं, अभी तो कराया है, क्या मिला था आपको भाई, ये मिला था आपको कि एम वन U1 प्राइम था यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या था आपका U1 प्राइम, यही था ना, प्लस यहाँ पर M2 U2 प्राइम इक्वल टू यहाँ पर क्या था M1 B1 प्राइम प्लस M2 B2 प्राइम, यही था। अब यहाँ पे U1 प्राइम का मान रखोगे तीन और चार से रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M1, यहाँ पे क्या आ जाएगा U1 माइनस कैपिटल B प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा M2, यहाँ पे हो जाएगा U2 माइनस कैपिटल V इक्वल टू M1, यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 माइनस कैपिटल V और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा B2 माइनस कैपिटल V, ठीक है। और वेक्टर लगा रहे हो तो वेक्टर लग रहा था तो वेक्टर लगा लो सब पे, अभी तक शुरू से लगा देना वेक्टर सभी पे, है ना, जहाँ जहाँ वेक्टर है, वेक्टर तो सभी पे था ना, मास पे थोड़ी लगाओगे, मास तो भैया कांस्टेंट है, उस पे वेक्टर नहीं आता है, अदिश राशि होती है, सदिश पे लगा दो, है ना। अब देखो आप, अब इसका मल्टीपल भी कर देते हैं, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मास का यू वन से एम वन यू वन वेक्टर माइनस एम वन बी वेक्टर, ओके, ठीक है, प्लस एम टू और यहाँ पे क्या करोगे यू टू वेक्टर माइनस एम टू ये बी वेक्टर इक्वल टू एम वन B वेक्टर, ठीक है, ये कर दो कि M1 का इसमें करोगे तो B वेक्टर और प्लस M2 यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 वेक्टर और माइनस का M2 और कैपिटल B वेक्टर, ठीक है, ये आपको मिल गए हैं। अब ये मिल गए हैं तो इनको क्रॉस कर दो, जो जो कट रहा है काट दो, ठीक है। देखो माइनस का M1 B1, माइनस का M1 B1 ये दोनों कट जाएंगे और देखो यहाँ पर क्या है M2 B और यहाँ पे माइनस का एम टू भी, ये भी क्रॉस हो जाएगा, बचेगा ओनली क्या बच रहा है यहाँ पे, जो बचता है उसको बचाओ, यहाँ पर क्या है देखो एम वन यू वन वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या बचा है एम टू यू टू वेक्टर इक्वल टू इधर क्या आया है एम वन बी वन वेक्टर और प्लस एम टू और यहाँ पे आ जाएगा बी टू वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया कितना, चार पाँच और इसको नाम दे दिया आपने सिक्स, ठीक है। तो समीकरण नंबर ये क्या है, सिक्स है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन बी वन एम टू बी टू, यह आ गई ना, समझे ना, समझ गए। अब ये क्या हो गया, ये वाली समीकरण आ गई, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद का संवेग बराबर आ गया, जो आपने शुरू में मान के चले थे आप, है ना। तो ये क्या हो गया, संवेग संरक्षण नियम क्या है, एक निश्चर राशि है, जैसा आपको प्रारंभिक अवस्था में मिला था वही आपको बाद में मिल गया, हमने यूज कर लिया, कौन सा, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण, यहाँ पे लिख दोगे कि समीकरण, एक कौन सी समीकरण थी इससे पहले, दो थी तीन थी, याद कर लेना कौन सी थी, है ना, वो लिख लेना, समीकरण दो व समीकरण छः, समीकरण छः से स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि
संवेग गैलीलियो, संवेग गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत निचर राशि नहीं है, ठीक है। तथा लेकिन लिख दो, नहीं है लेकिन, संवेग संरक्षण, का नियम एक निचर राशि है, हेंसरू, यही हमने करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हो गया आपका, है ना। तो समीकरण 6 से और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हुआ कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण से संवेग क्या होता है, एक निश्चर राशि होता है, लेकिन जो संवेग संरक्षण होता है वो एक निश्चर राशि होता है, ठीक है। तो यही बातें आपको देखनी थी, यही प्रूव करना था। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।